आज हम रेड हार्ट का पूरा और एकदम सही सही मतलब जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उसको आपको कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। रेड हार्ट आपके प्यार के जुनून को दिखाता है, आपके लव का जो पैशन होता है वो उसे दिखाता है, यानी कि आपके प्यार को लेकर जो जिद होती है, जो प्यार आप अपने दिल की गहराइयों से किसी से करते हो, तो वो रेड हार्ट वो दिखाता है। रेड हार्ट प्यार का और रोमांस का एक ट्रेडिशनल और बहुत ही खास और बहुत ही माना हुआ प्रतीक है। रेड हार्ट आपकी वार्म फीलिंग्स, आपके लव, हैप्पीनेस, होप और आपकी विश को दिखाता है। इसी के साथ अगर आप अपने किसी स्पेशल पर्सन को थैंक यू कहना चाहते हो, तब भी आप थैंक यू के साथ रेड हार्ट सेंड कर सकते हैं। इसका यूज आप अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के प्यार के लिए कर सकते हो। दोस्तों, मोस्टली हमारे साथ ये होता है कि हम डायरेक्ट किसी को ये नहीं बता पाते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो आपका लवर है, आपका पार्टनर है, तब तो ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड को भी कभी कभार ये चीज़ नहीं बता पाते, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम उनसे कितना सारा प्यार करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप रेड हार्ट की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर रेड हार्ट का मतलब ही लव होता है और लव का मतलब ही रेड हार्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे बहुत ही ज़्यादा अटैच है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग लिखते हैं आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई फ्रेंड, आई लव माई सिस्टर, ETC, ऐसे सब कुछ लिखते हैं। तो वहाँ पर वो लोग लव की जगह रेड हार्ट लिखते हैं, यानी कि LOVE की जगह वो लोग रेड हार्ट लिखते हैं। तो अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो या फिर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपको उनको दिखाने की या फिर प्रूव करने की या फिर ये बोलने की कि आई लव यू, इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रेड हार्ट से आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप किसी को आई लव यू बोलना चाहते हो, तो सिर्फ एक रेड हार्ट भेजिए। रेड हार्ट आई लव यू बोलने से भी ज़्यादा इफेक्टिव है और हर्ट को टच करता है सामने वाले के।